वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. जिस तरह हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि हम सबको इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और मिनहसू कौम ये सोचने की जरूरत है कि हम मौजूदा मसाइल में हल कैसे तलाश कर सकते हैं. ये प्रोबेबली द लास्ट जनरेशन जिसके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हो, वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट. और अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया, इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया, तो आने वाली नस्लें हमें यकीनन माफ नहीं करेंगी, बिकॉज दिस इज प्रोबेबली द लास्ट टाइम एंड वी शुड नॉट मिस द बोट. इस वक्त बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं अबाउट द रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स, द कंपैशनेट रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स. क्या कर सकती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस. यकीनन आपके सामने मुख्तलिफ प्लेजेस आ रहे होंगे जहां या तो कॉस्ट पे या फिर एज डोनेशन इन्होंने बहुत सारा इमदादी सामान पहुंचाया है. लेकिन वॉट आर द ग्राउंड रियालिटीज, आने वाले जो माशी मसाइल हैं जिसमें हम कई चीजों की शॉर्टेजेस देख रहे हैं, वो चीजें जो पाकिस्तान में बनती हैं लेकिन उसका खाम माल अगर बाहर से आता है तो वो मसाइल भी हमारे सामने हैं. लेट्स ट्राई टू कवर इट ऑल. आज जो हमारे मेहमान हैं, ही इज लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग एमएनसीज ऑफ पाकिस्तान, जिसका ये खासा है कि ना सिर्फ इनके ऑपरेशंस पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, एक देरीना रिलेशनशिप है, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि द लीडर्स ग्रूम्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, दे गो ऑन टू सर्व वेरियस रीजन इन देयर ग्लोबल नेटवर्क इज वेल. हम बात कर रहे हैं रैकेट एंड बैंकीजर की. मेरे साथ मौजूद हैं देयर सीईओ काशान हसन. अस्सलाम वालेकुम काशान. Ashan, thank you very much for being here. Thank you. And we see a very concrete role of Reckitt in the last few years. और खास तौर पे हमने देखा कि जो पेंडेमिक का जमाना था जिसमें forefront पे आई हाइजीन रिलेटेड इश्यूज, यकीनन योर ऑर्गेनाइजेशन वॉज इन द forefront. लेकिन आपका अपना सफर Reckitt के साथ गुजश्ता 14 सालों का रहा है. How has the organization changed in these 14 years? I think organizations are also living beings in the way that they operate, and I think 14 साल का अरसा काफी होता है, खास तौर पे बहुत ever changing dynamic दुनिया के अंदर. I think in a few big ways in which the organization has changed is, I think we are much more purpose driven, purpose led पहले के मुकाबले में. हमारा जो जो पीपल एजेंडा है वो मुझे लगता है कि बहुत तब्दील हुआ है, बहुत बढ़ा है. द केयर एलिमेंट, द कोच एंड द लीड एलिमेंट आई थिंक हैज बिकम मच मच बिगर देन इन द पास्ट. द एम्फेसिस ऑन लीडरशिप एट एवरी लेवल आई थिंक हैज बिकम बिगर देन बिफोर. बट ऑल्सो इन मेनी वेज आई थिंक बहुत उसी तरह है चीजें भी जिस तरह होती थी 14 साल पहले. The focus on results, driving execution, speed, चीजें हम कहते हैं हम fast moving consumer goods में, तो उसका जो fast वाला हिस्सा है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है. and we pride ourselves that we move faster and we do things faster than some of our other peer group companies. So बहुत सारी चीजें जो हैं वो वैसी भी है जैसे थी आज से 14 साल. मच नीडेड. मुझे याद है 2013-14 में हमने फोर फ्रंट्स में, हेडलाइंस में डेंगू के बारे में सुना, यानी इट वाज स्वीपिंग अस लाइक एन एपिडेमिक. बहुत ज्यादा तादाद में पंजाब में, लाहौर में केसेस आने शुरू हुए. एंड आई हैड अ ब्रीफ पार्टनरशिप बैक इन द डे विद वन ऑफ योर ब्रांड्स जो कि इसी की अवेयरनेस के लिए काम कर रहा था. आप समझते हैं कि वो जो कम्युनिकेशन की गई और वो जो अवेयरनेस आगे ही की मुहिम थी वो आज एड ऑन करके लोगों के लिए एक तरह से उनको एम्पावर करती है कि दे आर बेटर अवेयर, बट अगेन वी सी अ लॉट ऑफ केसेस कमिंग इन राइट नाउ. जी बिल्कुल. आज से कोई 10-12 साल पहले तो पाकिस्तान में डेंगू था नहीं जी. और फिर जब ये पहली दफा आया तो हमें भी एहसास हुआ कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज हमारा जो पेस्ट कंट्रोल का ब्रांड है मॉर्टिन, वो पाकिस्तान के इस सेगमेंट के सबसे बड़े ब्रांड में आता है. सो हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है कि हमें इंश्योर करना होता है कि लोगों को महफूज भी रखना है, उनको साथ साथ जैसे आपने कहा कि इंफॉर्मेशन देनी है, उनको पता हो कि क्या चीजें वो कर सकते हैं इससे बचने के लिए, साथ साथ हमें प्रोडक्ट भी अवेलेबल करवाना है, इंश्योर करना है कि उसके उस पर जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि जी 100% डेंगू से आपको महफूज रखता है, उस मच्छर को आपसे दूर रखता है, तो ये चीजें जो हैं वो भी बहुत जरूरी है हमारे लिए कि वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे. मेरे ख्याल से जो भी हमने काम किया इन पिछले 10 सालों में डेंगू के से लोगों को महफूज रखने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है और आई थिंक उससे उनको मदद मिलती है. हमने आज से 2-3 साल पहले एक अजम किया था कि डेंगू अब नहीं. हमने ये कहा कि हम पाकिस्तान से डेंगू को
वापस खत्म करना चाहते हैं जैसे थी उस वक्त और उस तरह वापस जाना चाहते हैं। सो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे मुख्तलिफ इदारों के साथ भी काम किया, पार्टनरशिप्स भी की, क्योंकि हमारे वसाइल हैं लेकिन हुकूमत के वसाइल बहुत बड़े हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के DFC जो डायरेक्टरेट ऑफ मलेरिया कंट्रोल है उनके साथ काम करते हैं कि किस तरह से हम एरियाज आइडेंटिफाई करें जहां से ये इसके ज्यादा चांसेस हैं बढ़ने के और वहां पे फिर हम क्या एक्शंस ले सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हम करते हैं और हमें यकीन है कि जितना भी हम काम करते हैं उसका कोई ना कोई इफेक्ट और इम्पैक्ट और पॉजिटिव जो है वो तरीके से वो इन चीजों से हमें महफूज रखने में मदद करता है। बिल्कुल काशान, वी आर अ बिग कंट्री, पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखते हैं तो हम चौथे या पांचवें नंबर पे शुमार किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी शहरी देही जिंदगी पे सफाई के हवाले से बहुत बोझ पड़ता है। आपने देखा होगा कि कराची में थ्रू आउट वी कीप टॉकिंग अबाउट आवर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम और उस पर अगेन इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी आती है क्योंकि अभी भी हमें गीला कचरा और खुश कचरा अलग करना इस तरह की प्रैक्टिसेस हम नहीं करते। आई नोटिस दैट वन ऑफ द की campaigns that as a corporate you guys have been following, and you know this is less of a campaign, it's more of a vision ke hoga saaf Pakistan, isme maujooda realities ko dekhte hue do you think you're making progress ya is kudrati aafat ke baad we feel ke you know all the good work has probably gone in the back? Ji, I think hamari koshish hai ke hum mehnat karte rahe in directions ki taraf. Hoga saaf Pakistan humne 2018 में लॉन्च किया था और जैसे आप कह रही हैं कि यही हमारा विजन था कि लोगों को बेसिक आदतें जो हैं वो बतानी है, सिखानी है, जैसे कि आपने कहा। और इसके अंदर हमने बहुत सारी एक्टिवेशंस की। जब तक कोविड ने हिट नहीं किया 2020 में, हम लोगों ने ऑन ग्राउंड एक्टिवेशंस 500 से ज़्यादा की, जहाँ पर हम मुख्तलिफ कॉलेजेस, स्कूल्स, उनके बच्चे, उनके साथ मिल करके हम लोग डेटॉल की ये जाके मुख्तलिफ इलाकों में, गलियों में, मोहल्लों में, समंदर के किनारे, हर जगह सफाई की एक मुहिम हम चलाते थे। और आइडिया ये था कि हम एक दफ़ा ये कर रहे हैं लेकिन उस इलाके के लोग जो हैं वो अगर इसकी आदत डाल लें कि क्या करना है, उसमें हम प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते थे फ्री में, हम जो है वो लोगों को बताते थे किस तरह से करना है, क्या कम्प्लीट सोसाइटल बिहेवियरल चेंज दैट यू ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट, यानी ये बताना लोगों को कि हाथ धोने की अहमियत क्या है। एंड सम यू नो वंडरफुल इनिशिएटिव्स, आई थिंक यू ऑल्सो सेट अप न्यू नेटिव क्लिनिक्स पाकिस्तान में ताकि खवातीन को ये पता हो कि हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट रियालिटी है। कल भी मैंने ये नंबर आपसे शेयर किया था कि हर 1000 बच्चा जिसकी पैदाइश पाकिस्तान में होती है वो 5 साल की उम्र से पहुंचने से पहले पहले उनमें से 65 यानी 65 अपनी जिंदगियां खो बैठते हैं। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स इन द वर्ल्ड और यकीनन मदद की जरूरत है। और छोटी छोटी चीजों से सफाई सुथराई का अगर ख्याल रखा जाए, जिस तरह की क्लिनिक्स, जिस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स की गई, तो इस नंबर को कम किया जा सकता है। मगर काशान, आपसे पूछना चाहूंगी, यू बींग अ कॉर्पोरेट लीडर, एक विजन है, यकीनन पर्पस बिल ब्रांड्स हैं जो लोगों में आगे ही भी लेके आते हैं, एक अच्छे कल का ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन फिर बेसिक ग्राउंड इकोनॉमिक रियलिटीज भी हैं। इस वक्त जिस माशी बहरान से हम गुजर रहे हैं, हाउ आर यू प्लानिंग द ईयर्स टू कम? जी, आई थिंक बहुत सारे हमारे कौम को इस वक्त मसले जो है वो एक साथ, हमारे कुछ महंगाई का तो चल ही रहा था, उसके साथ कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है पिछले कुछ महीनों में, और उसके साथ साथ दुनिया भर में ग्लोबली महंगाई जिस तरह आई है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता जा रहा है बहुत स्पीड से, उसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स, आपके मार्जिन, हर चीज स्क्वीज होते हैं। इस सिचुएशन के अंदर ये जो अब जो सैलाब आया है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है हमारे लोगों पे है, ऑफ कोर्स हमारी बिजनेसेस पे भी है। हम इस वक्त जो है वो एक तरफ हम बात करें कि कैसे अपने प्रोडक्ट्स जो कि लोगों को डायरिया से महफूज रख सकते हैं, डेंगू से महफूज रख सकते हैं, वो लोगों तक पहुंचाने भी हैं, लेकिन साथ साथ सड़कों का निजाम भी बहुत खराब है हमारे, साथ साथ इनको प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट चाहिए, हाँ, खाम माल चाहिए, बिजली चाहिए, उन सब में आपको दुश्वारी में प्रॉब्लम है अपनी जगह। आई थिंक आज तमाम बिजनेसेस दुनिया भर में इनसे डील कर रही है, पाकिस्तान में उससे ज्यादा है, बिकॉज हमारी करेंसी भी डिवैल्यू की है, तो वो जो महंगाई दुनिया में आई है वो हमारे लिए डबल है, क्योंकि हमें उसका दूसरा इम्पैक्ट भी पड़ता है। लेकिन आई थिंक एक अच्छी चीज ये है कि हमें
इतने सालों में आदत भी हो गई है कि हमें कैसे डील करना है, हमारे लोग जो है वो रास्ता निकाल लेते हैं, जो मैंने बाहर के मुल्कों में काम करते हुए देखा है, क्योंकि वहाँ चीजें इतनी स्मूथ चलती हैं कि कभी कभी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको नहीं, लोगों को नहीं समझ में आता कि क्या करें, और इसलिए शायद हमारे लोग बाहर जाके भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे शायर कहता है ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, सो वी आर फार मोर रेजिलिएंट बिकॉज वी हैव यू नो फेस्ड अ लॉट ऑफ एडहॉक सिचुएशंस। बट काशान, इस वक्त जो लोगों के लिए इमीडिएट मसाइल हैं, या तो प्रोडक्ट शॉर्टेजेस होंगी खुदा ना खासा, या कीमतें मजीद बढ़ेंगी, जैसे हमने अभी बात की कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है, परचेजिंग पावर कम है, देयर इज इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन, आप क्या स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं? आपको लगता है कि कुछ प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाना नागुजीर हो जाएगा? जी हाँ, और हम लोगों ने कीमतें बढ़ाई भी है, हमारी कोशिश यही है कि हम उतनी कीमत बढ़ाएं जितना हमें पता है कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे मार्जिन अब वो नहीं है जो आज से लेट से 12 महीने पहले या 6 महीने पहले थे, उससे कहीं कम है। इवन दो हमने कीमतें बढ़ाई हैं, हम उस प्रॉफिट मार्जिन पे काम नहीं कर रहे। और साथ साथ ऑब्वियसली हम जिन कैटेगरीज में होते हैं, जिन सेगमेंट्स में होते हैं, वहाँ दूसरे भी होते हैं, वहाँ पे मुकाबला भी होता है, तो हमें सबको देख के चलना पड़ता है कि किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन और उसके बाद फिर हम कॉस्ट को भी बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कीमत बढ़ाना इज नॉट द सोल्यूशन, और वहाँ पे हम वो आखिरी रिजॉर्ट है हमारे लिए, लेकिन साथ साथ हम किस तरह से अपने प्रोडक्शन कॉस्ट, अपने फ्रेट, अपनी तमाम जितनी हमारी एंड टू एंड जिसको हम कहते हैं, वो देखते हैं कि क्या कॉस्ट है हमारे जिनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, हर एक का जाविया बहुत मुख्तलिफ होगा काशान, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इमदादी कार्रवाइयां करने वालों से या फिर हुकूमती नुमाइंदों से, तो वो रेस्क्यू एंड रिलीफ में इस वक्त यू नो मसरूफ है। आई एम श्योर कि आरबी की तरफ से भी हमने देखा कि देयर इज अ बिग प्लेज फॉर हेल्पिंग द फ्लड अफेक्टीज, लेकिन मुझे बताएं कि ये आपके लिए मार्केट एरिया भी है, इन फ्लड्स की वजह से जो कि केपी, बलूचिस्तान, सिंध को इफेक्ट करता है, आपकी प्रोडक्ट्स की मार्केट तक तरसील ये किस हद तक इफेक्ट हुई है और इसका क्या बिजनेस पे इम्पैक्ट आया? जी, सो आई थिंक पहली बात तो ये कि आई विल गिव फुल क्रेडिट टू आवर टीम्स, जो कि चाहे वो कोविड का टाइम हो जब डेटॉल की बहुत डिमांड बढ़ गई थी, लेकिन साथ साथ सारा मुल्क बंद हो गया था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, और उसी तरह आज जो है वो जो चैलेंजेस हमें फेस हो रहे हैं मार्केट तक पहुंचने के लिए, पूरे अभी मैं लाहौर में था, पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में था, और हम नॉर्थ से भी टीमें आई हुई थी, पूरे शहर जो है वो बंद है, सड़कें टूट चुकी हैं, ब्रिजेस गिरे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी ओवर एंड अबव, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस, वो रियलाइज करते हैं और वो हमें बता रहे होते हैं, इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी, बता रहे होते हैं कि हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इस वक्त जब आप एक जगह नहीं पहुंच सक रहे हैं, किस तरह वहां खुद भी जा रहे हैं, प्रोडक्ट भी पहुंचा रहे हैं, बिकॉज उनको ये अंदाजा है कि इन प्रोडक्ट्स की इस वक्त पहले से ज्यादा जरूरत है। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू द टीम्स, जो लोग आज ये जो आप बात कर रही हैं, जो हम लोगों ने प्लेजेस किए हैं कि हमें किस तरह कितने पार्टनर्स के साथ हम काम कर रहे हैं इस वक्त, उसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग, बिकॉज एंड इट्स अबव एंड बियॉन्ड, इट्स नॉट अबाउट कि 9 to 5 मैंने अपना काम करना है चले जाना है। एंड आई थिंक आपने कुछ अभी लोगों से भी मिलाया और आपके शो में भी और दूसरी जगहों पे भी लोग आ रहे हैं, बहुत आई थिंक मुश्किल वक्त में सारे जिस तरह यू नो पाकिस्तानी जो है वो दे कम टुगेदर, ये हमें जोड़ता है, जिस तरह से मुश्किल वक्त हमने पहले भी देखा है, चाहे वो अर्थक्वेक्स रहे हैं या सैलाब रहे हैं इन द पास्ट, सो आई थिंक वही इवन एट कोविड टाइम्स पीपल एक्सटेंडेड, और वो आज भी नजर आ रहा है और हम भी उसी तरह से कर रहे हैं, हमारे लोग आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। मुश्किल है, प्लानिंग भी मुश्किल है, रोजाना सिचुएशन चेंज होती है, हमारे ट्रक्स कभी कभी तीन चार चार दिन कहीं इंटीरियर सिंध में फंसे हुए हैं, निकल नहीं सकते बिकॉज रोडे नहीं है, बहुत रश है, सब कुछ बंद हुआ हुआ है। सो उन सब मुश्किल हालात में हमारी तमाम टीमें, वो सेल्स की हो चाहे वो सप्लाई चेन की हो, पीपल आर डूइंग वर्क व्हिच इज इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल बिल्कुल काशान, आई थिंक कि मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव मेंशन्ड इज ऑफ कोर्स क्राइसिस रिस्पांस। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, ये फ्लड जो यू नो प्रोबेबली द बिगेस्ट कैटास्ट्रोफी वी फेस्ड इन आवर लिविंग टाइम्स, उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेकिन मुझे याद है कि अर्लियर दिस ईयर
before the floods, of course, COP26 ke baad, there was a lot of local discourse around the pledges and commitments of organizations ke hum kis tarah ye badhte hue challenge ko, khas taur pe jo climate change se related hai, maholiyati aloodgi se related hai, usme kya pledges hain RB ki taraf se, especially how are you looking at dealing with plastics and of course in the coming days aapki packaging environmentally sustainable and appropriate kaise hogi? जी, सो रैकेट ने ग्लोबली इस एरिया में लीड ली है, बहुत काम किया. COP26 जो लास्ट ईयर हुई थी उसमें रैकेट वाज ग्लोबली द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच वाज अ को स्पॉन्सर ऑफ दैट, और यूके में थी और हम भी यूके में बेस्ड हैं, तो हमारे जो ग्लोबल सीईओ थे वो उसके पैनलिस्ट थे, हमारे मुख्तलिफ लोग उसमें शरीक थे. तो हम लोगों ने वी हैव टेकन अ लीड ऑन दिस बिकॉज वी फील के हमारा बहुत बड़ा रोल है, बोथ इन टर्म्स ऑफ आर फुटप्रिंट. अगर मैं शुरू से बात करूं प्रोडक्शन के ऊपर, हम किस तरह से अपने प्लांट्स को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं. पाकिस्तान में भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो हमारी उसकी मोस्ट ऑफ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है इलेक्ट्रिसिटी की वो हम सोलर से जनरेट करते हैं. आज से बहुत साल पहले उसकी वेस्ट मैनेजमेंट का हमने 100% ये किया हुआ था कि जितना हम वहां से केमिकल्स या जो भी कुछ है वो वहां से ट्रीट करके निकालते हैं, और वी मेक श्योर उसका डिस्पोजल जो है वो सस्टेनेबल है और रिस्पॉन्सिबल है. रिसाइकल करते हैं. मालियाती आलूदगी और तब्दीली एक रियलिटी है. कराची में इस वक्त हम देख रहे हैं प्रोबेबली आ लॉन्गेस्ट एवर मानसून. मैंने पूरी जिंदगी कराची में गुजारी है, बचपन से लेकर आज तक मैंने इस तरह के मानसून नहीं देखे जहां 3 बजे अचानक से कहीं से बारिश आ जाते हैं और घन गरज के साथ बरसात शुरू हो जाती है. सो लिविंग इन दिस रियालिटी, हाउ आर वी रिस्पॉन्डिंग एज ऑर्गेनाइजेशन, एज इंडिविजुअल्स? हमारे इंडिविजुअल ख्वाब क्या हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, किन चीजों की अब हमें आदत डालनी पड़ेगी और किन चीजों के लिए हमें सिर्फ क्राइसिस रिस्पांस नहीं, हमें प्रिपेयर करना है. लेट्स डेल्व इनटू दैट. वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान विद अ 14 ईयर जर्नी विद रैकेट बैंकर्स ऑफ पाकिस्तान. हमारे साथ मौजूद हैं काशान. लेट्स पिक हिज ब्रेन्स ऑन दिस. काशान, आपको क्या लगता है, अब उन्होंने कहा कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज, व्हाट डज दैट मीन फॉर बिजनेस इन पाकिस्तान? आई थिंक अडाप्ट करने की जरूरत है बिजनेस को भी और वैसे भी. आई थिंक वी नीड टू प्लान, वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट दिस मीन्स फॉर अस. हमारे बिजनेस में इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं, इवन वेदर इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यू नो बारिश इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट. अगर पानी खड़ा हुआ है, अगर गर्मी है, बिकॉज हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, सो वॉट डज इट मीन, वॉट डू वी नीड टू चेंज? हम लोग पिछले 10 साल से 20 साल से पाकिस्तान में, हमें अब ऑलमोस्ट 70 इयर्स हो गए हमारी कंपनी को, हम जिस तरह सोच रहे थे, जिस तरह काम कर रहे थे, आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट. जैसे आपने कहा, हमने कभी इस तरह से बारिशें नहीं देखी हैं यहाँ पे, बट नाउ वी नो के इस टाइम से पहले हमें क्या करना होगा. अगर अगले साल भी ऐसे ही होता है, वील हैव टू बी प्रिपेयर्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ कि हम कम्युनिकेशन लोगों को क्या दे रहे हैं. हमने देखा कि जब कोविड आया, कितनी जल्दी लोगों ने अपने कम्युनिकेशन चेंज की, लोगों ने बातें करनी, जो वो लोगों को टीवी पे बताते थे, जो वो इश्तेहार चलाते थे, थिंग्स चेंज. सो आई थिंक वन थिंग दैट वी डू वेल इज वी अडेप्ट क्विकली बिकॉज वी हैव टू. और आई थिंक वही हमें अब देखना पड़ेगा कि वॉट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू फ्रॉम अ प्लानिंग परस्पेक्टिव, from a people perspective, from a product availability perspective, from a communications perspective, and make those adjustments. Kasha, mujhe bataiye ki when it comes to social behaviors, ek jo stark difference pichle 2 decades mein aaya hai is of course the role of women in our society. aapke bahut sare products, balki almost sare products mein jo decision maker hai wo khatoon hai, to uske ravaiye mein, uske world view mein, perspective mein kya tabdili aayi hai, और वहां पे भी अवेयरनेस में, एंड यू नो एज अ सर्विस टू सोसाइटी, व्हाट इज द काइंड ऑफ इम्पैक्ट एंड चेंज यू वुड लाइक टू सी? सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. आई थिंक हमारी सोसाइटी में यू नो द रोल ऑफ विमेन नीड्स टू बी मच यू नो मच बिगर देन इट इज टुडे. एंड आई थिंक हमारा काम ये कि हम इसको कितना इनेबल कर सकते हैं, उनको कितना एम्पावर कर सकते हैं. आई थिंक आज की दुनिया में डेफिनेटली देर इज लॉट मोर इन्फॉर्मेशन आउट देयर, एंड आई थिंक जो आपने ख्वातीन की बात की, पीपल मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन.
अभी थोड़ी देर पहले पैकेज गुड्स की बात कर रहे थे, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जिसकी पैकेजिंग का इम्पैक्ट मिनिमम हो, जो रिसाइक्लेबल हो, जिसमें प्लास्टिक कॉन्टेंट कम हो, जिसमें एंड आई थिंक टूडे पीपल आर मेकिंग दोज चॉइसेज. लोग उस ब्रांड के को खरीदना चाहते हैं दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग दैट हैज अ पर्पस, जो कि पहले नहीं होता था. वो बिल्कुल एक फंक्शनल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती थी. दिस इज चेंजिंग. आई थिंक वी यू नो एज अ कंट्री हमारे यहाँ विमेन रिप्रेजेंटेशन कम है इन टर्म्स ऑफ आवर वर्कफोर्स. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द एरियाज वेयर डायरेक्टली We at Reckitt feel very passionately कि हम जो है वो इसको किस तरह से बेहतर करें. अब हमारी कंपनी में पिछले दो साल में तकरीबन 20% से 30% पे हम गए in terms of women in our workforce. More and than also half, very important decision making positions. Absolutely, and yeah. that's very important. Not just bringing them in, but also retaining them, growing them, developing their skills. बिकॉज आई थिंक उसका जो इम्पैक्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि वो मल्टीप्लाई होता है वर्सेज मैन डूइंग द सेम जॉब. एंड वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ यू नो ग्रेट लीडर्स दैट आर वुमेन इन पाकिस्तान एज वेल एंड अक्रॉस द वर्ल्ड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर्स एज वेल. मैंने 20 साल में 4-5 मुल्कों में काम किया है. आई एम कन्विंस्ड दैट यू नो on a one-on-one basis, women are actually much better professionals than men are. And it could be because they need to, you know, prove themselves more. So they work harder. They come from a position jahan pe हमारे घरों में ये होता है कि यू नो भाई जो है उसकी तालीम पे ज्यादा मेहनत की जाती है और बहन की नहीं की जाती है या बेटी की नहीं की जाती है. सो आई थिंक देन वहां से इट्स स्टार्ट. जो हम ओवरऑल बात कर रहे थे कि वाई आर पाकिस्तानी सक्सेसफुल, बिकॉज वी कम फ्रॉम एडवर्सिटी सो वी वर्क हार्डर. इट्स द सेम फॉर इवन मोर फॉर वुमेन इन पाकिस्तान एंड मे बी मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कई खवातीन जो आगे बढ़ती हैं उनके पास कुछ रोशन मिसालें होती हैं, लेकिन अक्सर उनमें से पहली दफा वो बैरियर क्रॉस करके आगे बढ़ रही होती हैं. बट खवातीन के हवाले से हमने बात की, हमने एज रिलेटेड भी बात करनी है. व्हाट अबाउट द यंग पीपल हु आर नाउ जॉइनिंग द वर्कफोर्स, उनकी लीडरशिप स्किल्स, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है? बट देयर इज अ कॉल एज वेल, कॉलर से बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपके मौजूद मेहमान को सलाम हो. यकीनन जो इनकी कंपनी, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है. बहुत इन्होंने काम किया भी हुआ है और इनकी प्रोडक्ट भी हम यूज भी करते हैं. अभी जो इन्होंने बात की ना, मैं समझता हूँ कि थिंग्स आर चेंजिंग एंड द पीपल मेक द डिफरेंस. अगर इस तरह के लोग आते हैं, लोगों को इंकरेज करते हैं, तो लोग आगे बढ़ते हैं. खवातीन भी हमारे यहाँ आगे बढ़ रही है. मेरा सवाल इनसे, एक प्रोफेशनल आदमी है, एक्चुअली हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म की कमी है. हम जो है, हमारे यहाँ जो ये क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है, हम जो कंपनीज है, जैसे आपकी कंपनी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इतने वर्कशॉप नहीं कर रही होती कि लोगों को एजुकेट कर सकें. तो डोंट यू थिंक कि हमारे पास ऐसे एजुकेशनल वर्कशॉप और इंस्टीट्यूशन जैसे होने चाहिए लोगों जो एजुकेटेड, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे पास. आई थिंक व्हाट यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स इज अ गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड कॉर्पोरेट्स. यानी कई दफा लोग ये कहते हैं कि जो हमारे बच्चे स्कूलों में बिजनेस एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और जब वो एक्चुअली प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. जी, थैंक यू याया फॉर दैट क्वेश्चन. जी काशान, डू यू फील द डिफरेंस? बिकॉज आई थिंक आप लोग बड़े रेगुलरली कैंपस विजिट्स भी करते हैं. जी हाँ, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स रेडी करते हैं. और फिर आई थिंक इन्होंने बिल्कुल सही बात की कि हमारी जैसी कंपनीज का क्या रोल है टू मेक श्योर के नॉट ओनली आर वी डिवेलपिंग देम आफ्टर दे ज्वाइन द बिजनेस, बट ऑल्सो मेकिंग श्योर के हम किस तरह पार्टनर कर सकते हैं. हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपना एक्सपीरियंस यूज करते हुए पढ़ा भी रहे हैं, और उसके साथ साथ यू नो आई माई सेल्फ गो टू डिफरेंट कैंपसेज एंड कॉलेजेस, और जहां मुझे मौका मिलता है आई हैव डन अ फ्यू सेशंस जहां पे मैं लोगों को ये बता रहा होता है कि व्हाट आर यू नो एम्प्लॉयर्स लुकिंग फॉर इन एम्प्लॉयज, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे नीड टू बी फोकसिंग ऑन, कौन सी चीजें हैं जिसपे उन्हें अगले उनके जो 2-3 साल वहां पे हैं उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है. उसके साथ साथ आई थिंक हम, वन थिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इज द वर्क दैट वी डू टू डिवेलप द पाकिस्तानी टैलेंट दैट वी हैव इन आर ऑर्गेनाइजेशन. हमारी कंपनी ने पिछले 5 साल के अंदर, और उसमें कोविड के साल शामिल है जहां चीजें जरा स्लो हो गई थी,
तकरीबन पाकिस्तान से 70 लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों में भेजे हैं रैकेट की दुनिया में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम कंपनीज होंगी पाकिस्तान में जो ये कर रही हैं। और सिर्फ भेजा ही नहीं है बट उनको इतना डेवलप किया ओवर द इयर्स व्हाइल दे वर हियर कि वो वहां जाके कामयाब हो, वहां जाके वो ऐसी पोजीशन में आए कि वो और लोग जो हैं उनको भी, फिर मुझे लोग बाहर से फोन करके कहते हैं कि जैसे आपने ये खातून भेजी थी इस तरह के और लोग चाहिए, या जैसे ये साहब आए थे। यू आर रियली मेकिंग अ मार्क इन द इंटरनेशनल टैलेंट पूल। मुझे ये बताएं कि ये तो इंडिविजुअल वो हैं जो आपकी टीम का हिस्सा हैं। अगेन कमिंग बैक टू द फ्लड इफेक्टीज, अगेन यू आर ऑल्सो पार्टनरिंग विद लोकल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, और उनकी कैपेसिटी एक तरह से आपकी पार्टनरशिप के थ्रू बढ़ रही है। हाउ आर यू गाइज वर्किंग टूगेदर? इज देयर अ लार्जर प्लान इन एक्शन? जी बिल्कुल, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो इस वक्त मदद कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पास बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे पास नहीं है, जिनके साथ हमें पार्टनर करने की जरूरत है। वन एग्जांपल इज टीसीएफ, उनका स्कूल नेटवर्क फैला हुआ है और वो मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तो वो ऑन ग्राउंड है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से जाके कैंप लगा रहे हैं और कुछ दिनों के लिए वहां पे काम कर रहे हैं, बट वो वहीं रहते हैं, उनके कम्युनिटी से ही उनके टीचर्स आते हैं, उनके स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनका एक फुटहोल्ड है वहां पे, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनको उन तक अपने प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनके कोई 100 के करीब स्कूल जो है वो शेल्टर बने हुए हैं, वहां पे लोगों ने जो है वो पनाह ली हुई है इस वक्त, तो किस तरह उनको हम अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाएं। सो इस तरह की पार्टनरशिप है हमारी रेड क्रेसेंट सोसाइटी के साथ, हम लोग अभी हमने कारफोर के साथ डेंगी अब नहीं का एक कैंपेन उनके साथ लॉन्च की है, और बेसिकली मिलके वो हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और दो तीन चीजें हमारी पाइपलाइन में है, हम इंडस हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ गुड जॉब एज़ वेल। काशान, एक और कॉलर आपके लिए, लेट्स हैव दैट एंड सी क्या कहना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं असलम बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, मैं सुन रहा था और इनकी जो है काविशें और जो खदमात हैं पूरे पाकिस्तान के लिए वो बहुत लायक तहसीन है और बहुत मैं इसको जो है अप्रिशिएट करता हूँ। बस मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए नौजवान हम इसमें जो है शमूलियत इख्तियार कर सके। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट कॉल। सो इज देयर एन इंटर्नशिप और अ वॉलंटियर प्लेटफॉर्म दैट यू गाइज हैव इनिशिएटेड ताकि और मजीद नौजवान आपके साथ काम कर सके? जी बिल्कुल, हम थोड़ी देर पहले होगा साफ पाकिस्तान की बात कर रहे थे और उसके अंदर वो जो मैंने कहा हमने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 2-3 साल में 5 लाख के करीब वॉलंटियर्स के साथ मिलके काम किया था, जिसमें हम लोग जैसे मैं कह रहा था गली मोहल्लों में जाके लोगों को ये वहीं के लोगों के साथ मिलके कि किस तरह से सफाई रखनी है, किस तरह से अपने बेसिक थिंग्स लाइक के खाना खाने से पहले हाथ धोने, हमें पता है कि इन चीजों से डायरिया के जो इंस्टेंसेस हैं वो कम होते हैं। हम लोग कोई तकरीबन 25 लाख बच्चों को स्कूलों में हर साल यही मैसेज जाके देते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने हाथ धोने हैं, किस तरह से जिस जहां वो बैठते हैं, जहां वो खेलते हैं, खाते पीते हैं, उन जगहों को साफ रखने से वो बीमारियों से बच सकते हैं। उसमें भी हमारे वॉलंटियर्स यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इंटर्नशिप्स की आपने बात की। सो आपके कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं, इंटर्न्स हैं, होगा साफ पाकिस्तान के इनिशिएटिव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डेंगी अब नहीं, एंड दीज आर ऑल इनिशिएटिव्स फॉर पाकिस्तान। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या कहेंगे? जी मैं अभी आपका प्रोग्राम लाइव देख रहा हूँ, वंडरफुल प्रोग्राम, वंडरफुल इनिशिएटिव। बस मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कराची इज नॉट अ सिटी, कराची इज अ स्मॉल कंट्री, इसलिए यहाँ पे सबसे जो अहम काम होना चाहिए जो दुनिया भर में होता है जी, वो यहाँ के जितने मसाइल हैं उतने वसाइल नहीं। सही। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई वॉलंटियर्स का एक मूवमेंट होना चाहिए, पूरा वॉलंटियर्स की गैदरिंग का सिस्टम होना चाहिए। और हम ऐसे बहुत से वॉलंटियर्स को नजरअंदाज करते हैं, जस्ट लाइक अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जस्ट लाइक अ पाकिस्तान बॉयज स्काउट, पाकिस्तान गर्ल्स गाइड, ये वो ग्रुप्स हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से इनकी कैपेसिटी बिल्ड करके इनको यूज किया जा सकता है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सजेशन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जरूरत है, आई थिंक दे ऑल मेक वंडरफुल पार्टनर्स, खास तौर पे फॉर इनिशिएटिव्स लाइक होगा साफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। काशान, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। बहुत सारे मौजूदात पे गुफ्तगू हुई, बट थैंक यू फॉर दिस फायरसाइड चैट। इसी के साथ जी हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, देखते रहिए आज पाकिस्तान।